उम्र पते नमा। शारदीय नवरात्रि इस वर्ष 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हो रहे हैं। संपूर्ण दिन चित्रा और वैद्यति होने के कारण कलश स्थापन निषेध होगा, इसीलिए सिर्फ अभिजीत मुहूर्त में ही कलश स्थापन किया जा सकता है, जो कि 11:36 से लेकर 12:23 तक ही रहेगा। इस वर्ष माता रानी हाथी पे सवार होके आ रही है और जब जाएंगी तो भैंसे पे सवार होके जाएंगी। हाथी की सवारी शुभ संयोग लेके आ रही है, धन वैभव लेके आ रही है, खुशियां लेके आ रही है, ऐश्वर्य का संकेत मिल रहा है। परंतु जब माता रानी जा रही है तो दुख दर्द पीड़ा बीमारी युद्ध के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए आप जब इस वर्ष व्रत रखेंगी तो व्रत आप संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति से रखिएगा और भूल चुक के लिए क्षमा अवश्य मांगेगा, ताकि जब माता रानी जाए तो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर ना आए। आइए बात करते हैं कि किस तरीके से कलश स्थापन किया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। इसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठ के नए वस्त्र धारण करने चाहिए, ईशान कोण में एक पटरा बिछाना चाहिए या मंदिर स्थापित करना चाहिए, उस पटरे के ऊपर लाल वस्त्र बिछाने चाहिए, उसके ऊपर माता रानी का स्वरूप को बिठाना चाहिए या उनकी मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। मूर्ति को लाल वस्त्र या माता रानी को लाल वस्त्र अर्पित करने चाहिए और फूल गंध सुगंध फल फूल मेवा चढ़ाना चाहिए। जो कलश स्थापन किया जाता है, कलश के अंदर जल डाला जाता है, साथ में लौंग का जोड़ा डाला जाता है, हल्दी की गांठ डाली जाती है, कमल गट्टे डाले जाते हैं, कौड़ी डाली जाती है, साथ में एक सिक्का अवश्य डालना चाहिए और एक सुपारी अवश्य डालनी चाहिए। इसके बाद उसके ऊपर आम के पत्ते लगा देने चाहिए और फिर उसके ऊपर नारियल पधार देना चाहिए। नारियल को लाल कपड़े में रखना चाहिए और साथ में उसके ऊपर मौली या रक्षा सूत्र बांध देना चाहिए। जो लोग अखंड जोत जलाते हैं उनको अखंड जोत जला देनी चाहिए इसके बाद, और जो लोग सुबह शाम जोत जलाते हैं वो जोत जला सकते हैं। जोत या तो तिल्ली के तेल की जलती है या देसी घी की ही जोत जलाई जाती है। आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा अर्चना कीजिए। आप एक और चीज का संकल्प ले सकते हैं, वो संकल्प होता है कि आप मंत्र चारण का संकल्प ले सकते हैं। 11,000 मंत्र, 21,000 मंत्र, 31,000 मंत्र, जितनी आपकी श्रद्धा भक्ति हो उतने मंत्र का संकल्प ले सकते हैं। उसको 9 दिन में डिवाइड करके उतनी माला का जाप करिए। एंग रिंग क्लिंग चामुंडाय विच्छे, इस मंत्र का जाप सारी सिद्धियां लेके आता है, साथ में घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, नेगेटिविटी होती है, उसको भी दूर करता है। माता रानी की कृपा दृष्टि आप सब पे बरसे, ऊपर वाले का आशीर्वाद बसे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदैव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, जय माता दी।